साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा, एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है, 70,000। इससे चीनी मिलों को, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। पहले गन्ने के ज्यादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। टैक्स से जुड़ी जो दशकों पुरानी समस्याएं थी उसे भी हमने सुलझाया है। इस बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद सहकारी चीनी मिलों को पुराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है। ये सारे प्रयास सुगर कैन सेक्टर में स्थायी बदलाव ला रहे हैं, इस सेक्टर की कोऑपरेटिव्स को मजबूत कर रहे हैं।